राजस्थान विधानसभा में सम्मान समारोह, असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया का अभिनंदन किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्यक्रम में शिरकत की। विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायकों का सम्मान किया गया। शिव विधायक अमीन खान को सम्मानित किया गया, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ विधायक अनीता भदेल को भी सम्मानित किया गया। हमारे विधायक सॉफ्टवेयर की लॉन्चिंग भी इस दौरान की गई। संबोधन बारी बारी से सभी का हुआ। सीपी जोशी का संबोधन हुआ, गुलाबचंद कटारिया का संबोधन हुआ, संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल का संबोधन हुआ, मुख्यमंत्री का संबोधन हुआ। सभी ने अपने विचार व्यक्त किए। सर्वश्रेष्ठ विधायकों को सम्मानित किया गया, जिनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर रही है, बेस्ट रही है, उनको सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया है, उनका सम्मान किया गया है। और आज हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे देश में महिलाएं आगे बढ़े। उन महिलाओं का आगे बढ़ने में इस तरह की पार्लियामेंटरी नीति, महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो निश्चित तौर पर हमारे समाज में जो और महिलाएं हैं वो आगे बढ़कर संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करेगी। उनको भी हमने श्रेष्ठ विधायक के रूप में चुना है। मैं उनके भी उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि इसी तरह से हमारे विधानसभा की जो गरिमामय जो परंपरा रही है उन परंपराओं का निर्माण करेंगे और हमारे यहाँ के जो विधायक की जो परंपरा है उन परंपराओं को देश के सामने हम कह सकेंगे कि हम सब अलग अलग विचारों के हो सकते हैं, अलग अलग विचारों में अपने उत्तरदायित्व का निर्माण कर संसदीय लोकतंत्र में जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने की अपनी जिम्मेदारी का निर्माण करते हैं। कटारिया साहब को मैं आपको सबको मालूम है, मैं 4 साल से रिक्वेस्ट करता प्रधानमंत्री जी को, आप जल्दी इनको प्रमोशन करें और इनको विधेयक जोड़ बना कर। 4 साल मेरी सुनवाई नहीं हुई, 4 साल नहीं हुई है, आखिर में सुनवाई करनी पड़ी प्रधानमंत्री जी को, आखिर मेरी बात माननी पड़ी है प्रधानमंत्री जी को। इस बात के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, आपने यहाँ से उनको प्रमोट किया, आसान भेज दिया, एक बात तो ये। दूसरी जो अमीन खान साहब के बारे में, अनिता जी के बारे में धारीवाल जी ने बहुत सुंदर शब्दों में बात कही। चयन समिति के सदस्यों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वास्तव में उन्होंने सोच समझ गए, क्योंकि ये काम बहुत मुश्किल काम होता है जहाँ सदस्य बैठते हैं पक्ष विपक्ष के और उसके ऊपर चयन करना कि भाई किस प्रकार से किन मापदंडों के आधार पर हम चयन कर रहे हैं, बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल काम को उन्होंने निभाया, वो तो बधाई के पात्र हैं और मैं खुशी है कि जो हम लोग दिल में सम्मान जिनके प्रति है रीता जी और हमारे आदरणीय अमीन खान साहब, उनका चयन हुआ। मैं उन दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं निश्चित रूप से जनता भी कर चुकाऊंगा कि जनता ने मुझे पाल करके इस 40-45 साल में इस लायक बनाया कि मेरी पार्टी ने मुझे इस सम्मान का पद दिया है। मैं आप सबसे भी ये निवेदन करता हूँ कि जिंदगी में और कोई कमाई काम नहीं आएगी, न धन दौलत काम आएगी, न आपकी सूरत आएगी, न कुछ नहीं काम आएगी। काम आएगा आपका समर्पण और देश के लिए किया गया काम। वो लोग जाने जाते हैं जो देश के लिए खपते और मरते हैं। उस बात को समझ करके जनता आपको और मुझे इतना सम्मान देती है कि यहाँ सदन में भेजती है और सदन में आने के बाद आपका बाहर भी सम्मान होता है, विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में, उपनेता के रूप में। ये सम्मान किसका है? सम्मान तो उस जनता का है। उस जनता ने हमसे कुछ उम्मीद की है, हम उस उम्मीद पर खरीद उतरने का प्रयास करें। और मैं सोचता हूँ कि ये जो आपने जो ना प्रभावी और सार्थक लोकतंत्र, इसको सार्थक बनाने का काम भी कौन करेगा? हम ही विधानमंडल के सदस्य करेंगे ना। इसका मान और सम्मान बढ़ाने का काम भी कौन करेंगे? हम ही करेंगे ना। इसका मतलब हमारा उत्तरदायित्व है उस जनता के प्रति जिसने हमको इस काम के लिए सुपुर्द किया है।